वो कहती है कि वो एक लालची अभिनेत्री है। वो जिस उग्रता के साथ हर भूमिका को निभाती है, हर किरदार को जीवंत करती है और उसे पूरी तरह से अपनाती है, हम विद्या से अधिक सहमत नहीं हो सकते। यह महान भूमिकाओं के लिए उनका लालच है और दर्शकों की उन्हें किसी भी मंच पर और अधिक देखने की भूख है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अविस्मरणीय सिनेमा बन सकता है। विद्या शेफाली शाह के साथ आगामी जलसा एक थ्रिलर ड्रामा है जो 18 मार्च को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। जब उनसे पूछा गया कि समाज और स्टारडम की अवधारणा कैसे बदल रही है, इस साल कहानी के 10 साल पूरे हो रहे हैं जो आपके करियर और हमारे सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म है। यह ऐसे समय में आया जब बॉलीवुड में थ्रिलर बहुत कम थे। ऐसी सम्मोहक कहानी के साथ शो का नेतृत्व करने वाली महिला को तो छोड़ दें। तब से हमारे पास कई और हैं और उनमें से कुछ में आपकी विशेषता है। तो उन्होंने बताया कि यह हमारे सिनेमा में बदलते आख्यानों का संकेत है और निश्चित रूप से आप कैसे ऐसी भूमिकाएं करना जारी रखते हैं जो रूढ़ियों को धता बताती हैं और रुझानों को फिर से परिभाषित करती हैं। जब आपने कहानी के 10 साल कहा तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वाह, कल की ही बात लगती है। आप सही कह रहे हैं जब आप कहते हैं कि उस समय बहुत अधिक थ्रिलर नहीं बनाई जा रही थी और कहानी के साथ आपकी कहानी के केंद्र में एक महिला के साथ एक थ्रिलर थी, न कि केवल एक गर्भवती महिला के साथ। लोगों को बस यह नहीं पता था कि इससे क्या उम्मीद की जाए। सुजॉय घोष के लिए फिल्म को एक साथ रखना एक चुनौती थी। तब से बहुत कुछ बदल गया है। अब महिलाओं की कहानियों की एक विस्तृत श्रृंखला बताई जा रही है। यह बहुत रोमांचक है। हालांकि मुझे यह कहना है कि मुझे उम्मीद है कि महिला केंद्रित फिल्म का टैग किसी स्तर पर हटा दिया जाएगा। जलसा में आपके पास कहानी का नेतृत्व करने वाली दो महिलाएं हैं, लेकिन यह एक तरह की कहानी है जो किसी के साथ भी हो सकती है। यह एक ऐसी घटना के बारे में है जो आपके जीवन को बदल देती है। माया एक पत्रकार है, वो आत्मधर्मी है और यहाँ उसे अचानक स्थिति में डाल दिया जाता है। दूसरों पर निर्णय सुनाना आसान है, लेकिन अब वो अंत में है। इस फिल्म का हर किरदार खुद को जज किए जाने या खुद को जज करने के तनाव में है। कहानी की बात करें तो हाँ, और भी थ्रिलर फिल्में रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी आज भी एक बेंचमार्क है।